नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। एक दो दिनों की होली की छुट्टियां थी और उसके बाद में हम पुनः क्विक रिवीजन लाइव सेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ होली का पावन पर्व आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा गया होगा और इस पावन पर्व के अवसर पर आपने कुछ संकल्प भी लिए होंगे कि अगला जो इसी प्रकार का होली का पावन पर्व आएगा उससे पहले आपको निश्चित तौर पर किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब को किसी भी हालत में अचीव करना है, प्राप्त करना है। तो मेरी भी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। राजेश जी, प्रजापति, विकेश जी, हंसराज जी, गुर्जर, प्रमानंद जी, सैनी, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। तो मित्रों, इस क्विक रिवीजन टेस्ट सेशन के अंतर्गत हम आरपीएससी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का, महत्वपूर्ण पेपरों का क्विकली रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हमने पहले उन सभी पेपरों का विश्लेषणात्मक रूप से लाइव सेशन के माध्यम से उनका डिस्कस किया था। अब हम इनका क्या है क्विकली रिवीजन कर रहे हैं और लगभग लगभग आज इस आरपीएससी के पुराने पेपरों के क्विक रिवीजन सेशन का ये हमारा आज का अंतिम सेशन होगा। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और आरएएस का पेपर 2018 का है। आपके कितने प्रश्न हैं वो इसमें सही होते हैं ये भी आप कमेंट करके इस सेशन में जरूर बताएं वीडियो के अंत में। दिनेश जी जांगू, प्रणाम, जेलात्रा नगरी सु, आपका हार्दिक स्वागत। दिनेश जी, हंसराज जी गुर्जर कोटा से, योगेश जी शिमला जी, कमल कुमार जी, सुनील जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए आरएएस प्री 2018 के पेपर का क्विकली एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आप कितने प्रश्न हैं वो इसमें सही कर पाते हैं। तो आइए आपका सेशन है वो स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न है, ये यद्यपि इसमें कुछ प्रश्न आपके इंडिया जीके के भी हैं तो ये भी हम साथ ही साथ इनको भी लेके चलते हैं। तो पहला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। कांग्रेस के नागपुर सत्र जो कि 1920 में हुआ था, इसके पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। विकल्प नंबर दो है, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसमें से कूट के माध्यम से आपको पहचानना है कि कौन से विकल्प है इसमें सही है और कौन से विकल्प गलत है। क्या दोनों ही सही है? तो इसमें विकल्प नंबर चार हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ए और बी, यानी कि दोनों ही करेक्ट हैं। कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसके बारे में हमने विश्लेषणात्मक रूप से प्रीवियस लाइव सेशन में डिस्कस भी किया था, आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थल से मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। विराट, नगरी, रैन और नगर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है और भी पूछा गया है अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो मिनेंडर यूनानी शासक था, इसके 16 सिक्के विराट से प्राप्त हुए हैं। विकल्प नंबर एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। हंसराज जी गुर्जर लिख रहे हैं, जूम करो, मैं जूम कर देता हूं, आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। आई थिंक अभी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा मित्रों हमारा विराट। विराट से हमें यूनानी शासकों के भी सिक्के मिले हैं। इसके अलावा जो अशोक है, ठीक है, मौर्य सम्राट, इस काल के भी सिक्के मिले हैं। बाबरू, यानी कि इस काल का जो बाबरू शिलालेख है वो हमें प्राप्त हुआ है। और भी विराट की बात करें तो महाभारत कालीन यहाँ पर अवशेष मिले हैं। पांडवों ने एक वर्ष का अज्ञातवास आपका विराट नगर विराट में ही बिताया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। नागभट्ट द्वितीय, महेंद्र पाल प्रथम, देवपाल और भरत भट्ट प्रथम। रमेश जी लिख रहे हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का वीडियो। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के राजस्थान जीके पोर्शन के लिए आप 3
मैराथन वीडियोस देख सकते हैं RSMSSB के पुराने ईयर्स पेपरों का, वहाँ पर आपको विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस मिलेगा। तो अच्छी तरीके से देखिए, आपका राजस्थान GK बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर 4 भरत भट्ट, जो कि गुर्जर प्रतिहार राज्य से रिलेटेड नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नेमेटिक पद नाम का प्रयोग किया जाता था। तो नेमेटिक पद नाम का प्रयोग किसके लिए होता था, राजकीय कवि के लिए, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, राजकीय ज्योतिष के लिए, या फिर मुख्य न्यायाधिक अधिकारी के लिए। तो देखिए, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, राजकीय ज्योतिष के लिए पूर्व मध्यकाल में नेमेटिक पद नाम का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, उस क्रांतिकारी का क्या नाम है, जोरावर सिंह, श्याम जी कृष्ण जी वर्मा, केसरी सिंह बारट और विजय सिंह पथिक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, महंत प्यारेलाल हत्याकांड, इन्होंने बंगाल के एक साधु की हत्या की थी। तो इसमें आपके हीरालाल लाहिड़ी, रामकरण और हीरालाल जोहरी के साथ में कौन सम्मिलित था, केसरी सिंह बारट भी इसमें शामिल था। तो विकल्प नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधियों में बातचीत की थी, डेविड ऑक्टरलोनी, चार्ल्स मेटकॉफ, आर्थर वेलेजली, जॉन जॉर्ज। तो 1817-18 की सबसे पहले जो संधि की थी वो करौली के हरवक्सपाल ने 9 नवंबर 1817 में की थी, और अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ, इन्होंने संधियों में बातचीत की थी। ये दिल्ली का रेजिडेंट था, आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट है, देसी रियासत तो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। संयुक्त राजस्थान राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण है, जो कि 25 मार्च 1948 को गठित होता है, उसमें कौन सी रियासत है, इसका पार्ट नहीं है। विकल्प नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, उदयपुर। उदयपुर तीसरे चरण का हिस्सा बनी थी, जो कि 18 अप्रैल 1948 को गठित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसके अलावा प्रतापगढ़, शाहपुरा, ये सभी आपके 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा थे। अगला प्रश्न है, त्याग भूमि के संपादक कौन थे, हरिभा उपाध्याय, जयनारायण व्यास, देवी दत्त त्रिपाठी, ऋषि दत्त मेहता। त्याग भूमि समाचार पत्र हरिभा उपाध्याय इनके एडिटर थे, संपादक थे हरिभा उपाध्याय, अजमेर से संबंधित है, दास साहब भी ने कहा जाता है, और 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण संपन्न हो रहा था, तो उस वक्त ये अजमेर के मुख्यमंत्री भी थे। नेक्स्ट है, मंदिर और जिले दे रखे हैं, इनको सुमेलित करना है सही से कि कौन सा मंदिर कौन से जिले में लोकेटेड है, कामेश्वर मंदिर, शीतलेश्वर मंदिर, पीपला माता और नीलकंठ। तो कामेश्वर मंदिर आपका पाली में है, और मूछाला महावीर का मंदिर घाणेराव पाली में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक में, ए दोनों में है। शीतलेश्वर मंदिर तिथियुक्त मंदिरों में सबसे प्राचीनतम जो मंदिर है वो झालावाड़ का शीतलेश्वर मंदिर है, तो 2 में C। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर होगा, कामेश्वर मंदिर पाली में, इसके अलावा शीतलेश्वर मंदिर झालावाड़ में, पीपला माता मंदिर आपका जोधपुर में, और नीलकंठ मंदिर आपका अलवर में हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर, सत्वीस देवरी, समधीश्वर मंदिर और तुलजा भवानी। ये चित्तौड़गढ़ के मंदिर दे रखे हैं, ठीक है, और इन मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है जो आपको चूज करना है। तो जैन मंदिरों की बात करें तो सत्वीस देवरी है, ये आपका जैन मंदिर है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है, जमुनादास, बक्साराम, नानक राम और नंदराम। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, आप सभी ने पिछला लाइव सेशन है वो अच्छी तरीके से आई हो देखा होगा, तो इसमें विकल्प नंबर 3 हो जाएगा नानक राम। आपको कमेंट करके बताना है कि नानक राम किस चित्रकला शैली से संबंध रखते हैं, ये अलवर शैली के चित्रकार तो है नहीं। अगला प्रश्न है, रचना और लेखक
इनाम दे रखे हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, सुमेलित नहीं है। बोल भारमली, यादवेंद्र शर्मा, पागी चंद्र प्रकाश देवल, कोडमदे मेघराज मुकुल, पग फेरो मणि मधुकर। इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शंस नंबर एक ही हो जाएगा, बोल भारमली। बोल भारमली यादवेंद्र ने नहीं लिखा था, कमल जी बता रहे हैं किशनगढ़। बिल्कुल करेक्ट है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के कलाकार हैं नानक राम। ठीक है, देखिए बोल भारमली इसके लेखक कौन है? सत्यप्रकाश जोशी। सत्यप्रकाश जोशी ने बोल भारमली नामक रचना है वो लिखी है। तो यहां पर यही है जो कि सुमेलित नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है गौरी देवी, जिस गायन शैली से संबंधित थी, किस गायन शैली से? लंगा, मांड, तालबंदी और ठुमरी। इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा मांड गायकी, जो कि जैसलमेर की गायकी है, मांड गायकी। इसमें अल्लाह जिल्लाई बाई और गौरी देवी इन्हीं गायन शैली से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है नारी संत दयाबाई शिष्या थी, दयाबाई और सहजोबाई ये किन की शिष्याएं थी? संत चरणदास जी, संत निम्बारकाचार्य जी, संत हरिदास जी या संत रामचरण जी? तो नारी संत दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास जी की संत महिलाएं थी। ठीक है, चरणदास जी डेहरा अलवर में इनका, राजस्थान में अगर प्रधान पीठ की बात करें तो डेहरा अलवर में, और इनकी चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो आपकी कहां पर है? दिल्ली में है। ठीक है, तो यहां पर चरणदास जी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप कमेंट करके बताइए कि दयाबाई ने किस ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है, गौरी, लूर, बम और तेहरे ताली। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है आपसे विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ग्रासिया के वालर है, लूर है, मांदल है, ये नृत्य ग्रासिया जनजाति से संबंधित है, तो विकल्प नंबर दो हो जाएगा लूर नृत्य। ठीक है, विजयदान देथा बिज्जी के बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया है। हाँ, राकेश जी लिख रहे हैं दया बोध, बिल्कुल रोहित जी नागर, राकेश जी, ऋषि जी राजपूत, आप सभी सही बता रहे हैं। दयाबाई ने दया बोध और सहजोबाई ने सहज प्रकाश और सोलह तिथि नामक ग्रंथ की रचना की थी। विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार करें, विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे, सही बात है ये तो। और इनकी कहानी जिसका नाम है चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई, तो ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा फैक्ट एक नंबर वाला। दो नंबर कथन दिया हुआ है कि विजयदान देथा रूपायण संस्थान के संस्थापक थे, तो जोधपुर के बोरुंदा में स्थित रूपायण संस्थान है, विजयदान देथा और कोमल कोठारी ने मिलकर इस संस्थान की स्थापना की थी, तो ये भी करेक्ट इसमें है कि को फाउंडर थे रूपायण संस्थान के। तो विकल्प नंबर एक और दो दोनों ही करेक्ट है, बोथ आर राइट, यानी कि विकल्प चार हो जाएगा हमारा सही जवाब। ठीक है, एक भी सही ही है और दो भी। विजयदान देथा को बिज्जी भी कहते हैं, आप सभी को अच्छी तरीके से ध्यान है, मैंने कई बार आपसे आपको बताया भी था, पिछले सेशन में भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। विजयदान देथा ने बांतारी फुलवारी लिखी थी, अलेकू हिटलर, पहेली, इस प्रकार की इन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं है वो लिखी है। नेक्स्ट ये है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ प्रश्न, पर्वत शिखर और स्थिति या देश दे रखे हैं, कौन सा पर्वत किस देश में है? देखिए यहाँ पर वैसे ये सिंपल ही प्रश्न है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर देखिए अलब्रूस, मैंने आपको पहले भी बताया, हमने विश्लेषणात्मक रूप से इस पेपर का जब डिस्कस किया था उस टाइम बताया भी था, अलब्रूस यहाँ पर क्या आ रहा है? रूस आ रहा है। तो ये आपका माउंटेन कहाँ पर है? ये आपका रूस में है, तो अलब्रूस रूस, यानी कि दो और तीन में है। अब किली मंजारो है वो तंजानिया का है, आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा, और नहीं पता है तो अब जान लीजिए आप। किली मंजारो कहाँ का है? तंजानिया का, बी में तीन है, तो यहाँ पर तीन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलब्रूस रूस, किली मंजारो तंजानिया, माउंट कुक आपका न्यूजीलैंड का है, और मेंकिले जो पर्वतमाला है ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्वत चोटी का नाम है। ठीक है, तो ऑप्शंस नंबर तीन हो जाएगा करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है, जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी को मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? जो मित्र, हु इज द फाउंडर ऑफ रूपायण संस्थान? रूपायण संस्थान के फाउंडर कोमल कोठारी जी हैं और को फाउंडर के रूप में, यानी कि इन दोनों ने साथ में मिलकर ही रूपायण संस्थान की स्थापना है वो की थी आपके। ठीक है, तो इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर? अल्फा सूचकांक, अल्फा इंडेक्स है। इसके माध्यम से जैव विविधता यानी कि जैव विविधता बायोडायवर्सिटी को मापने के गणितीय सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक है, ये स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र के माध्य प्रजाति यानी कि एवरेज जो स्पीसीज है उसको, उसकी जो डाइवर्सिटी है, विविधता कितनी क्या है उस हैबिटेंट को ये अल्फा सूचकांक है वो दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ एक प्रश्न मित्रों, इंडियन ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको इस बीच में आ गए हैं तो उनको देख लेते हैं। ठीक है, जो केरल और के राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आप 1 या 2 मिनट का आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ज्यादा नहीं है, 2 या 4 सवाल है उनको भी हम बीच में देख लेते हैं। औद्योगिक प्रदेश और देश दे रखे हैं, रूर, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड, पो घाटी और कांटो मैदान। तो रूहर, भारत के किस क्षेत्र को भारत का रूहर प्रदेश कहा जाता है आप कमेंट करके बताइए, और रूहर है ये आपका कहाँ पर है? जर्मनी में है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है, तो रूहर जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र है, बिल्कुल सुमेलित है। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम, तो दक्षिणी न्यू इंग्लैंड है ये आपका यूके यानी कि ब्रिटेन का नहीं है, ये भी हमारा सुमेलित नहीं है। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड, वैसे नाम तो आपका इंग्लैंड आ रहा है लेकिन ये कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है, यूएसए का है। ठीक है, पो घाटी इटली की, कांटो मैदान है जापान का है, बिल्कुल सुमेलित है, तो 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नहरें, कैनाल्स और कनेक्टिविटी यानी कि कौन सी नहर किस किस को जोड़ती है ये दे रखा है, कील, सू, पनामा और स्वेज। तो पनामा और स्वेज नहर आपने 8वीं 10वीं की बुकों में भी इनके बारे में पढ़ा होगा। तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, इससे हम इनको प्रश्न के काफी निकट हम पहुंच सकते हैं। तो यहां पर सी में देखिए 3 किस्में हैं, 1 में और 2 में हैं, 3 और 4 तो वैसे ही हमारे कट जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्वेज नहर भी काफी चर्चित है और आपने पढ़ा भी होगा अच्छी तरीके से। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो यहां पर सी में 3 हो जाएगा, डी में 1 हो जाएगा, तो डी में 1 और सी में 3 यानी कि विकल्प नंबर 1 में है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो कील जो नहर है ये आपकी एल्ब ज्वारनमुख यानी कि एल्ब जो एस्चुरी है इसको बाल्टिक सागर से जोड़ने का कार्य करती है कील नहर, और सू नहर है ये आपकी सुपीरियर जो लेक सुपीरियर है इसको यूरोन झील से जोड़ने का कार्य करती है आपकी सू नहर। ठीक है, तो यहां पर 1 नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भारत के दक्षिणतम 2 भौतिक प्रदेश हैं। ठीक है, तो इसमें आपका पूर्वी घाट में अवस्थित कौन सा नहीं है, तो गलीकोंडा, सलेहर, शिक्रामगट्टा, मादू, गुलाकोंडा। तो यहां पर 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सलेहर जो पर्वत चोटी है। ठीक है, ये आपकी पश्चिमी घाट में स्थित है ना कि पूर्वी घाट में। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय ये आपके 2 हॉट स्पॉट भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है, स्थानांतरण कृषि का नाम और राज्य। यहाँ पर राजस्थान में अगर देखा जाए तो दजिया चमाता, आपने नाम सुना होगा जीके में पढ़ते हैं हम, तो ये राजस्थान में स्थानांतरित कृषियों के नाम है, खेती के नाम है जो कि जंगलों को जलाकर जो कृषि की जाती है उस
इसी प्रकार से भारत के अन्य प्रांतों में भी इसी प्रकार की स्थानांतरित जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो की जाती है। तो उसके क्या क्या नाम है, कौन कौन से राज्यों में, और इसमें से आपका कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो पोंडू ओडिशा की है, बिल्कुल सुमेलित है। मासा हिमाचल प्रदेश, पोनम केरल, और झूम असम। तो यहाँ पर विकल्प नंबर दो है मासा हिमाचल प्रदेश। सर गलत बता दिया, उसमें नहीं लिखा। कमल कुमार जी, सलेहर नहीं है। तो यहाँ पर किसमें, सलेहर पर्वत चोटी इसमें करेक्ट आंसर है। देखिए आप, कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो पूर्वी घाट में आपकी सलेहर है इसमें करेक्ट आंसर है, जो कि पश्चिमी घाट में है। ठीक है, 21 में 2 नंबर है करेक्ट आंसर हमारा, और 22 में मासा है जो कि हिमाचल प्रदेश की नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि का नाम है मासा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के जो कंजर्वेशन रिजर्व, इसके अलावा आपके सामुदायिक रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व, नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य है वो दे रखे हैं, आपको सुमेलित करना है 2018 के डेटा के आधार पर है, क्योंकि ये आपका 2018 में ही पेपर आयोजित हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग भारत में अगर देखा जाए तो कम्युनिटी रिजर्व है उनकी संख्या है 46, कंजर्वेशन रिजर्व 76, और नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में लगभग 105 है, 2018 में 103 थे जिस समय ये पेपर हुआ, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 544। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 में 2, तो ऑप्शंस नंबर 1 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब मित्रों, आपका राजस्थान जीके वाला है वो स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसरो के सहयोग से बनाता है, यानी कि भेल और इसरो ये मिलकर क्या बनाता है, कृषि प्रौद्योगिकी, गैस, सोलर सेल, परमाणु तकनीक और सी डेक। तो यहां पर विकल्प नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर, GAS सोलर सेल। ये आपका BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये मिलकर बनाता है। नेक्स्ट है राजस्थान जीके से जुड़ा सवाल आपका आ गया है। फिर जिले और पर्वत दे रखे हैं, कौन सा जिला किस पर्वत में, यानी कि कौन सा पर्वत कौन से जिले में है लोकेटेड है, जालौर, जयपुर, अलवर और सीकर, बरवाड़ा, झारोला, रघुनाथगढ़ और भानगढ़। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो झारोला पहाड़, ईसराना भाकर, ये आपके रोजा भाकर सभी कहाँ है, डोरा पर्वत सभी जालौर में है। तो जालौर, झारोला यानी कि 1 में 2, यानी कि सीधा सा ही हमारा आंसर है, मिल गया है, बाकी कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। तो जालौर में आपके झारोला पर्वत, डोरा पर्वत, बरवाड़ा, तो आपका जयपुर में हो गया, खो जयपुर में है, बाबाई ये आपके जयपुर में, झुंझुनू में। ठीक है, इसके अलावा अलवर में भानगढ़ और शीरावास, और रघुनाथगढ़ जो कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, सीकर में 1,055 मीटर। ठीक है, तो 1 नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है? ठीक है, मुकुंद्रा पहाड़ी, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत और गिरवा पहाड़ी। तो जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है, विंध्यन पर्वत श्रेणी का जो एक्सटेंशन है, विस्तार है, वो आपकी मुकुंद्रा की पहाड़ियां हैं। ठीक है, जो कि हाड़ौती पर्वतमाला का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, मुकुंद्रा की पहाड़ियां। नेक्स्ट, डोरा पर्वत आपका जालौर में है, ध्यान में रखना है आपको अच्छी तरीके से। मुख्य सिंचाई परियोजना और सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित जिले, सिद्धमुख परियोजना, नर्मदा परियोजना, जवाई परियोजना और जाखम परियोजना, इन परियोजनाओं से कौन कौन से जिले हैं वो लाभान्वित होते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सिद्धमुख परियोजना आपके हनुमानगढ़ और चूरू जिले हैं, इनसे लाभान्वित होते हैं 1 में 4। तो 1 में 4 अगर विकल्पों की बात करें तो 1 में है और 3 में है। ठीक है, नर्मदा परियोजना से आपके जालौर और बाड़मेर जिले लाभान्वित होते हैं, बी में 1, 1 में 4 और बी में 1 दोनों में है। इसके बाद में जवाई
बात करें तो जवाई से आपका जालौर पाली और जोधपुर लाभान्वित होता है, सी में दो हो जाएगा। तो एक नंबर वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जाखम परियोजना से हनुमानगढ़ और प्रतापगढ़, ठीक है, तो विकल्प नंबर एक है करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में मई व जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियां के लिए उत्तरदायी है। कुछ स्थानों पर शैवनीय धाराओं की उत्पत्ति अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैंने आपको इस चीज को डिटेल में भी बताया था कि जो कन्वेंशनल करेंट्स होती है, शैवनीय धाराएं होती है, ये क्या चीज है, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर केवल और केवल एक है, मई और जून के महीनों में जो धूल भरी आंधियां चलती है राजस्थान में, उसका मेन कारण है शैवनीय धाराएं। विकल्प नंबर एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियमावली 2002 में बनी, राजस्थान खनिज नीति 2015 में अस्तित्व में आई, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016 और राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2016 तक। तो इसमें आपके सभी बिल्कुल करेक्ट हैं। संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियमावली 2002 में बनी, खनिज नीति 2015 में अस्तित्व में आई, ठीक है, और वर्तमान में राजस्थान में नई औद्योगिक विकास नीति और निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 में बनी है। कृषि नीति के बारे में ये चीजें भी आपको, नवीनतम जो नीतियां बनी हैं इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर चार नंबर करेक्ट आंसर है। इस पेपर का अगर आपको विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस चाहिए, प्रत्येक जो प्रश्न है, प्रत्येक ऑप्शन है, उसको अच्छी तरीके से एनालाइजिस किया हुआ है, आप आरपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपरों का एक प्लेलिस्ट है, 40-42 वीडियो है, उनमें अगर आप देखेंगे तो इन सारे के सारे पेपरों का डिटेल में आपको एनालाइजिस मिल जाएगा। यहाँ पर हम केवल और केवल क्विकली रिवीजन कर रहे हैं एज ए टेस्ट के रूप में। अगला प्रश्न है, कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? सीसा एवं जस्ता एस, ताम्र एस, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट। तो राजस्थान सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, ताम्रा, इनके राजस्थान एकाधिकार रखता है, यानी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा ये राजस्थान में ही उत्पादित होता है। तो यहाँ पर ताम्र अयस्क यानी कि तांबा, इसमें राजस्थान का एकाधिकार नहीं है। बी के अलावा बाकी सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एस है और दे डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। वर्ष 2017-18 यानी कि दिसंबर 2017 में राजस्थान के कौन से क्षेत्र से सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन प्राप्त हुआ? बीकानेर, नागौर बेसिन, जोधपुर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया भी था, चार राजस्थान में तेल के बेसिन हैं, और उसमें सबसे ज्यादा आपका तेल का, कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है, वो आपका बाड़मेर सांचौर बेसिन में ही हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देश के पूरे कच्चे तेल का लगभग 22 से 23% योगदान है, वो कहाँ से है? राजस्थान का है, ठीक है। तो विकल्प नंबर तीन हो जाएगा करेक्ट आंसर। इनमें से आप बताइए कमेंट करके कि राजस्थान में चार तेल उत्पादक बेसिन है, बीकानेर नागौर बेसिन हो गया एक, जैसलमेर बेसिन, तीसरा है बाड़मेर सांचौर बेसिन, चौथा यहाँ पर तेल बेसिन कौन सा है, आप किस किस को पता है कमेंट करके बताइए। बलराम जी मीणा, अलवर की धरती से प्रणाम, आप सभी का हार्दिक स्वागत। जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो राजस्थान की और भारत की जो नगरीय जनसंख्या है, अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो वो कितने क्या है? भारत की अगर देखी जाए तो भारत में 31.15% जनसंख्या शहरों में निवास करती है, और राजस्थान
राजस्थान में देखा जाए तो 24 लगभग 9% जनसंख्या है वो आपकी शहरों में निवास करती है, तो अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज हो जाएगा विकल्प नंबर 4। अब गांव में कितनी करती है, तो गांव में भारत की बात करें राजस्थान की बात करें तो लगभग 75.13% है राजस्थान की जनसंख्या गांव में निवास करती है, और इसमें अगर देखा जाए भारत में 68% जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है। यहां पर हमें शहरों में निवास करने वाली पूछा है तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है, यानी कि ऐसे उद्योग जो किसी न किसी खनिज पर बेस्ड है, खनिज आधारित है, वो कौन से है? जस्ता गलन उद्योग यानी कि जिंक स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, संगमरमर उद्योग। केरी मिनाटी ऑफिशियल सर स्टेनोग्राफर में 195 मार्क्स है आपसे पढ़ा था, बहुत ही अच्छा प्रयास आपका। और स्टेनोग्राफर या राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो लगभग लगभग 95% से ज्यादा का मैटर है। मैंने आपको जो भी इन्हें प्रीवियस ईयर सेशंस के माध्यम से विश्लेषणात्मक रूप से चीजें प्रोवाइड करवाई है उनसे आपको लगभग लगभग मैटर है वो मिल गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 3 हो जाएगा, ए बे और दे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है ये आपकी किसी खनिज आधारित उद्योग नहीं है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इसका और सीधे किसी खनिज से इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? सीकर और धौलपुर, सीकर और चूरू, बीकानेर और नागौर, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स की जनसंख्या उसके कुल प्रतिशत की सबसे न्यूनतम है कौन से जिले में, तो ये आपकी बीकानेर और नागौर में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है, जॉइंट वेंचर है किसका है? बाड़मेर में जो ऑयल रिफाइनरी लगाई जा रही है तेल के क्रूड ऑयल के परिशोधन के लिए, तो ये आपकी HPCL एवं राजस्थान सरकार, HPCL और भारत सरकार नहीं, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है जिसमें 74:26% दोनों का अनुपात है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, राजस्थान जीके का इस सेशन का कौन सा सुमेलित नहीं है, भीलवाड़ा का शुभंकर मोर है, चूरू का कृष्ण मर्ग है, सवाई माधोपुर का शेर है और जैसलमेर का गोडावण है। तो यहाँ पर सवाई माधोपुर ये सुमेलित नहीं है, सवाई माधोपुर का क्या है, बाघ है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन से जुड़ने के लिए। RAS प्री 2018 के पेपर में राजस्थान जीके के खंड से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनका हमने क्विकली रिवीजन किया। अब जितने भी आपके जो RPSC के पेपरों का हमने डिटेल में विश्लेषण किया था वो लगभग लगभग आपके पेपर है वो पूरे हो गए हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कल का जो हमारा सेशन रहेगा वो डिटेल में हम विश्लेषण करेंगे RPSC के और जो पेपर बचे हुए हैं उनका हम दोबारा है वो विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा एक पॉलिटी की क्लास भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, संभव हुआ तो कल से स्टार्ट करेंगे, कल नहीं तो 2 से हम डेली बेसिस पर आपकी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें राजस्थान पॉलिटी के भी क्वेश्चन है वो इंक्लूड होंगे वो क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि उस क्लास के लिए कौन कौन रेडी है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, कल हम विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया। और एक जो क्लास हमारी क्विक रिवीजन वाली है तो अब RPSC के जो पेपरों का हमने डिस्कस किया था उसके क्विक रिवीजन हमने कर लिया है, ठीक है। और अब अगर आप चाहे तो RSMSSB के पेपरों का क्विक रिवीजन है वो स्टार्ट कर देते हैं, और पॉलिटी है राजस्थान पॉलिटी अलग से अगर हो सके तो, कमल जी लिख रहे हैं,
राजस्थान पॉलिटी अगर आप अलग से भी देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, 2 घंटे की लगभग क्लास है, वो एक ही वीडियो है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। राजस्थान की पॉलिटी बहुत ही काफ़ी हद तक आपकी उससे अच्छी हो जाएगी। और जितने भी अब जो कॉलेज लेक्चरर के वगैरह पेपर हुए तो उसमें राजस्थान की पॉलिटी से जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो आपको लगभग लगभग काफ़ी हद तक प्रश्न है वो उन वीडियोज में से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। और कल के सेशन को अपने और मित्रों के साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। टेलीग्राम चैनल पर उसका शेड्यूल है वो डाल दूंगा, तो एक बार आप टेलीग्राम चैनल को देख लेना, इसी नाम से है, ओम डिजिटल स्टडी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पर भी आप अवश्य जुड़ें। आप सभी का एक बार पुनः बहुत धन्यवाद इस सेशन से जुड़ने के लिए।